नमस्ते। सबसे पहले सबको वाचन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सब लोग अपने अपने कॉलेज में वाचन दिन मनाते हैं, उसी तरह अपने कॉलेज में भी वाचन दिन मनाए जा रहे हैं। आज पुस्तक वाचन का महत्व बहुत बढ़ रहे हैं। ज्ञानवर्धन की एक सशक्त माध्यम है वाचन। जीवन में सफल होने के लिए रीडिंग हैबिट या पढ़ने की आदत जरूर होनी चाहिए। इसलिए प्रतिदिन पुस्तक पढ़ो और आगे बढ़ो। हमारे कॉलेज में साहित्य क्लब के नेतृत्व में वाचन दिन के लिए पुस्तक समीक्षा आयोजित करते हैं। इस अवसर पर हिंदी में समीक्षा करने के लिए जयनेन्द्र कुमार की एक पुस्तक चुन ली। जयनेन्द्र कुमार हिंदी में कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार आदि नाम से प्रसिद्ध है। भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण से सम्मानित किया है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद एक महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित है जयनेन्द्र कुमार। बाजार दर्शन जयनेन्द्र कुमार की एक निबंध है। बाजार में जाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस विषय पर समीक्षा करने के लिए सेकंड सेमेस्टर बीए इंग्लिश स्टूडेंट नेहा को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार सभी को, मैं नेहा आपके सामने एक पुस्तक समीक्षा लेके प्रस्तुत हूँ जो जयनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। जयनेन्द्र कुमार जी का जन्म 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह हिंदी में प्रेमचंद के बाद बड़े महत्वपूर्ण कथाकार माने जाते हैं। वह अप हिंदी में एक शक्त मनोविज्ञाओं के बारे में बहुत चर्चा की रखी है। उनके कहानियों के द्वारा हम लोगों नॉर्मल ही लोगों के अपने जीवन में बहुत सरल जीवन के बारे में वह लिखे जाते हैं। वह कथाकार होने के साथ साथ वह अपनी गहरी अत्यंत गहरी चिंताएं के नाम पे भी जाने जाते हैं। उनकी सोच उनकी कहानियों में हमें वो देखने को मिलता है, कितने गहरे सोच के बारे में एक छोटी हर छोटी सी छोटी मनुभावों को अपने कहानियों में प्रस्तुत किया है। वैसे ही एक कहानी है बाजार दर्शन, जिसमें हम इंसानों के मनुभावों को लिखा है। हम जब बाजार जाते हैं हमारे मनुभावे क्या है बाजार को लेके, वैसे ही इस कहानी में वो सब प्रकट किया है। देखेंगे कि कहानी में कैसे वो अपने कथापात्रों को लेके आगे चलते हैं। बाजार दर्शन, बाजार दर्शन नाम कहानी के नाम सुनते ही हमें पता चलता है कि कुछ ये तो बाजार के बारे में है। हाँ, वैसे ही कुछ बाजार के बारे में है ये, जो एक मनुष्य की मनोभावें होती है बाजार को लेके उसके बारे में है। बाजार में जाते ही एक इंसान को क्या क्या मनोभावें आती है, क्या क्या एक इंसान सोच लेता है, वो इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। कहानी कुछ ऐसे चलती है, एक दो लोगों को प्रकट किया है हमारी ये कहानियों को, दो इंसान के बारे में वर्णन किया है। एक ऐसे तरीके के लोग जहाँ जो लोग पैसे है करके वो परचेसिंग पावर दिखाने के एक सोच में चल उठते हैं, अपने बाजार जाते हैं और ऐसे चीज़ें ले आ जाते हैं जो उनकी ज़रूरत भी ना पड़े,
और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे ना होकर भी बाज़ार जाके वो वहाँ के रख के वो रंग बिरंगे चीज़ों को देख के उनको लेने का मन कर जाता है और वो ले लेते हैं। उनके पास पैसे हो या ना हो वो यहाँ पे मुख्यता नहीं देते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी वो सामान लेके आ जाते हैं। वो एक तरीके के लोग हैं। दूसरे तरीके के लोग जो ऐसे लोग जो पैसे के मूल्यता को बहुत अच्छी तरीके से जान के रखते हैं, जिनको पैसे के मूल्यता पता है, जो लोग उसे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, ये दो लोगों के बारे में हमें ये खता में देखने को मिलता है। एक ऐसा खता पात्र है जो चूरन बेचता है अपने गुजारे करने के लिए, और वो चूरन बेचते बेचते अपने दिन के लिए अपने जीने के लिए जितना पैसे चाहिए उससे ज़्यादा पैसे वो कमाने की कोशिश भी नहीं करता है। जब उसका चूरन वो बेच रहा होता है और जो पैसे उसको चाहिए अपने जीवन के लिए वो उतने पैसे ले के बाकी के जो चूरन बचता है वो फ्री में बाँट देता है बच्चों में। तो यही है ये पूरी कहानी में कि वो बंदा कैसे जीता है, कैसे अपने पैसे को संभाल के यूज़ करता है। उसे अगर वो एक दिन 10 रुपये कमा रहा है तो वो 10 रुपये में 5 रुपये या 6 रुपये में अपना चूरन ले लेता है, बाकी के पैसे वो अपने पास रख लेता है या फिर वो लोगों में बांट लेता है। बस उसको चूरन और अपने खाने पीने का चिंता है, वो उससे ही खुश रह लेता है। लेकिन हम दूसरे साइड ये देखते हैं लोग अपने परचेसिंग पावर दिखाने के लिए बाज़ार जाके कुछ भी उठा ले आ जाते हैं जो उनके ज़रूरत भी ना हो। हम अपने मन को बहुत खुला छोड़ के बाज़ार जाते हैं, हमें ये तक नहीं पता होता कि हम बाज़ार जा भी क्यों रहे हैं, हमें लेना क्या है ये चीज़ भी पता नहीं होता। कुछ विभाग लोगों को अपने ज़िंदगी में हम बहुत देखते हैं ऐसे लोगों को। वैसे ही ये जो बंदा चूरन बेचता है वो अपने मन को ठीन रख के अपने मन को बहुत शांति रख के अपने बाज़ार जाता है। वो ऐसे नहीं कि वहाँ बाज़ार के लोगों से बात नहीं करता, वो सबसे बात करता है, वो सबसे अच्छे तरीके से ही अपना ये दिखाता है, वो अपने साथ रहता है, सबके साथ रहता है, लेकिन वो कहीं वहाँ से हट नहीं जाता। उसको जो चीज़ें चाहिए वही चीज़ें लेके वो वापस आएगा। उसको गुजारने के लिए जितना पैसे चाहिए वो उतना ही पैसों को वैल्यू रखेगा, उतने ही पैसों का महत्व रखेगा। वो जाएगा अपना चूरन के सामान लेगा, अपने खाने पीने का सामान लेगा और वापस आएगा, और जो बचे पैसे हैं वो अपने बाद के काम के लिए रखेगा या फिर वो अपने में ही बांट लेगा, अपने पास के लोगों को ही बांट लेगा। दूसरे विभाग के लोग जो है वो लोग अपने पैसे को ऐसे ही खर्चे करने में पड़े रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते लेकिन वो बहुत आकर्षित हो जाते हैं बाहर के सामानों को देख के, और वो सामान उठा ले आ जाते हैं। अंत में उनके पास अपने घर के खराई के को भरने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। ऐसे भी विभाग के लोग हैं। बाज़ार एक ऐसे मैजिकल वर्ल्ड है, हम बोल सकते हैं कि एक पूरा दिमाग को बहुत अच्छी तरीके से फंसा लेता है। अगर हम जब बाज़ार में अगर अपने मन को शांति रख के नहीं जाएंगे, ठिका के नहीं जाएंगे, तो हम बहुत कुछ ना जाने ही लेके आ जाते हैं। बाद में वो वैसे ही पड़े रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने ये क्या कर दिया। यही ये कहानी में हमें देखने को मिलता है। पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है। ये चूरन लेने वाले बंदे को दूसरे वाले बंदों से बहुत अच्छी तरीके से कंपेयर किया है जैनेन्द्र कुमार जी ने, ताकि लोगों को समझ आए कि पैसे की महत्व क्या है, पैसे की मूल्यता क्या है। असल में पैसे की मूल्यता परचेसिंग पावर दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें अपना ही ख्याल रखने के लिए, अपने ही ध्यान रखने के लिए पैसे की मूल्यता बहुत ज़रूरत है। ये जैनेन्द्र कुमार जी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने ये कहानी में बताया है। जैनेन्द्र कुमार जी ने हमें ये सोच में ले आते हैं कि जो पैसे की शक्ति है वो
अगर एक इंसान सही तरीके के तरीके से प्रयोग करता है तो उनके सामने पैसे की शक्ति भी हीन हो जाती है, उनके सामने भी पैसे गिड़गिड़ाने लगती है। जैसे मानो कि दान की देवी लक्ष्मी जैसे, वो भी गिड़गिड़ाने लगती है कि मेरा भी कोई महत्व रखो, ये बोलना चाहते हैं वो। ऊपर से हमें ये बताने की कोशिश की है कि हर पैसे को सोच समझ के खर्चा करनी चाहिए। हर चीज़ में जाके हमें ठान नहीं लगाना कि हमें हर चीज़ चाहिए, हमें हर चीज़ लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हमें बस एक ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वही लेने की बहुत ज़रूरत है। महत्व, बाजार के महत्व वही लोग समझ सकते हैं जो पैसे के प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। जो लोग नहीं करते वो बाजार के महत्व कभी नहीं जान सकते हैं। परचेसिंग पावर भी एक बहुत बड़ा थीम है हमारी ये वाली कहानी के अंदर, क्योंकि परचेसिंग पावर जो हम खरीदते हैं उस पे लोग हमें जज करते हैं, उस पे हमें लोग देखते हैं कि हाँ ये गरीब है या ये बंदा अमीर फैमिली से है, या अपना परचेसिंग पावर से ही लोग हमारी सोशल स्टेटस को जज करते हैं। ये हमें ये कहानी में देखने को मिलता है। ऐसे नहीं है, कवि बोलते कहानी में हमें ये पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी जो बातें हैं वो बस अपने मन की ठिकाने के ऊपर डिपेंड करता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने पैसे को कैसे खर्चा करें, कैसे प्रयोग करें, कैसे बाजार को अपना महत्व समझें। बाजार की बहुत ज़रूरत है, हम सबको बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसको कैसे प्रयोग करें ये हमें ये पूरे पार्ट में देखने को मिलता है। ऊपर से हमें ये भी बताया है कि बाजार बस उन्हीं के लिए महत्व है जो लोग प्रयोग पैसों को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और जो नहीं करते उनके लिए बाजार महत्व नहीं है, बल्कि वो एक बहुत घटिया सा जगह बन जाती है जो अपना पैसे लूट लेता है। जो लोगों के अंदर, मन के अंदर एक छान नहीं होता कि मुझे क्या लेना है आज बाज़ार में जाके, उनसे बाज़ार बहुत अच्छी तरीके से पैसे लूट लेता है। तो हम इंसान को सोचना चाहिए, सोच के प्रयोग करना चाहिए कि पैसे की महत्व क्या है और उससे हमें क्या लेना है एक ज़िंदगी जीने के लिए, ना कि हमें अपना परचेसिंग पावर दिखाने के लिए। मेरी पुस्तक समीक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। नमस्ते। सबसे पहले सबको वाचन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सब लोग अपने अपने कॉलेज में वाचन दिन मनाते हैं, उसी प्रकार अपने कॉलेज में भी वाचन दिन मनाया जा रहे हैं। आज पुस्तक वाचन का महत्व बहुत बढ़ रहे हैं। ज्ञानवर्धन की एक सशक्त माध्यम है वाचन। जीवन में सफल होने के लिए रीडिंग हैबिट या पुस्तक पढ़ने की आदत शुरू होनी चाहिए। इसलिए प्रतिदिन पुस्तक पढ़ो और आगे बढ़ो। हमारे कॉलेज में साहित्य क्लब के नेतृत्व में वाचन दिन के लिए पुस्तक समीक्षा आयोजित करते हैं। इस अवसर पर हिंदी में समीक्षा करने के लिए प्रेमचंद की उपन्यास चुन ली। प्रेमचंद के बारे में सबको मालूम है, वे हिंदी साहित्य जगत में कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार आदि नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है, इसलिए वे कहानी सम्राट नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद की प्रतिज्ञा नामक उपन्यास की समीक्षा करने के लिए 5th सेमेस्टर बीकॉम फाइनेंस स्टूडेंट अश्वति को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अध्यापक और अध्यापिकाओं और मेरे प्रिय मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम है अश्वति ए और मैं SY बीकॉम फाइनेंस से। तो हम जानते हैं कि हमारे पुस्तक दिन आ ही गया है, तो उसके अनुबंध से मैं यहाँ पे एक पुस्तक समीक्षा देने के लिए आई हूँ। तो मेरा पुस्तक का नाम है प्रतिज्ञा
और इस पुस्तक को लिखे गए लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद जी। पहले मैं मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय दूंगी, उसके बाद ही उनकी किताब यानी कि उनसे लिखी गई पुस्तक प्रतिज्ञा के बारे में बताऊंगी या उनकी समीक्षा दूंगी। तो पहले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ कहते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी का नाम तो हम जानते कि बचपन से सुने आ रहे हैं। हम जब स्कूल में थे तो उनका कोई ना कोई रचना हमने पाठ के रूप में छोटी सी भाग तो पढ़ी होगी, है ना? पढ़ी तो होगी, राइट? तो हम जानते हैं कि ये नाम हमें अजनबी तो है नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कहा जाए तो एक हिंदी साहित्यकार है और एक उपन्यासकार है, यानी कि हिंदी साहित्य के पिता मर है ये मुंशी प्रेमचंद जी। इनका जन्म जो है, इनका जन्म वाराणसी जिले यानी कि उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में लम्ही गांव में हुआ था, वो भी कायस्थ परिवार। कायस्थ मतलब इनकी जाति है वो, यानी कि उनका पूरा नाम बचपन में था धनपत राय श्रीवस्ता। ये श्रीवस्ता जो है वो ही उनका कायस्थ परिवार का यो जाति के जैसा वो नाम है। वो ऐसी बातें हैं। फिर उसके बाद है कि इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में, ये इस दिनांक में उनकी जन्म हुआ था। तो इन्होंने बचपन से ही बड़ा होने तक इनको बहुत कुछ सहना पड़ा कि जब ये छोटे बच्चे थे यानी कि जब इनको 8 वर्ष या 7 वर्ष के थे तभी उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, मेरा मतलब उनका अंत मृत्यु हो गया था। तो आप जानते हैं जब बचपन में एक बच्चा अपनी माँ को खो लेता है तो क्या क्या उसे बीतनी पड़ती है ना? हम जानते हैं, हम अपने करीब लोगों को से हम मिल चुके हैं कि कितना सब कुछ सहना पड़ता है। तो उनके बचपन में जो उनकी ममता दे सकती थी वो ही उनके पास नहीं है, तो हम जानते हैं कि क्या गुजर रही होगी। तो वहाँ से लेके उनके बड़े होने तक भी उन्होंने यही नहीं बल्कि बहुत सब कुछ झेला है, तब भी वो अपने अध्ययन क्रम को फिर भी लेके चल जाते हैं। तो उन्होंने अब वो इतने अच्छे साहित्यकार बने हैं ना इस दुनिया में, उनका नाम इतना बड़ा और रोशन इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने बहुत परिश्रम और मेहनत की है। तो जब वो छोटे बच्चे थे, उनकी जब माँ गुजर गई थी तो उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। देखो जब उस समय था तब तो बच्चों को देखने के लिए पिता को तो आसान काम होता नहीं था क्योंकि उनको काम में जाना था उस समय। तो वो शादी करने की बात बस यूं ही हो ही जाती थी। तो जब उनकी दूसरी शादी हो गई थी, उनकी पिता की दूसरी शादी हो गई थी जो उनकी सौतेली, ममता तो ना बोलो ना कुछ, प्यार कुछ भी नहीं वो प्राप्त कर पाए। उनकी सौतेली माँ तो उनकी सौतेली माँ का व्यवहार की वजह से उनकी तबीयत तो और खराब ही होती थी। तो हम कहते हैं ना, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल डिप्रेशन वैसा सब कुछ, तो ऐसी बहुत सी सब कुछ उनको संघर्ष सहना पड़ा था उनकी ज़िंदगी में। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो 15 साल के थे उनके पिताजी ने एक और गलती उनके साथ कर ली। क्या है पता है? उनकी विवाह करवा दिया 15 साल में। अभी हम सोच रहे होंगे ये 15 साल में एक लड़के का विवाह करवा दिया, ये क्या बात हुई भाई? नहीं नहीं उस समय ना जब 15 साल हो, 10वीं कक्षा को पास करो तो ये बड़ा माना जाता था। हमने कोई कहानी, हम में से मीन्स थोड़े बच्चों ने तो कुछ पढ़ा होगा ना बड़े भाई साहब की कहानी, उसमें भी वो बताते हैं, बड़े भाई साहब बताते हैं कि हम 8वीं या 10वीं कक्षा पास कर लो वो ही बड़ा माना जाता था उस समय में। ठीक है ये छोड़ते हैं, ये कहानी शायद आपको पता नहीं होगा, तब भी ये इनका कहानी नहीं है, कोई दूसरा कहानी है उससे मैं बता रही थी, तो ये बात छोड़ दीजिए। तो उस समय 15 वर्ष में इनकी शादी करवा दी। तो देखा पापा ने इनके साथ एक और गलती, जब उनकी उनकी शादी तो एक बाल विधवा से हुई थी और उस विधवा यानी कि उस बाल विधवा की उम्र उनसे बहुत बड़ी थी। तो आप सोच रहे होंगे क्या कर दिया उनके पापा ने। फिर क्या हुआ, उनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी थी, शिवरानी देवी। तो उनका भी व्यवहार बहुत बुरा था, ये भी उनको सहना पड़ा, उनके पति होने के नाते ये भी उनको सहना पड़ा। तो उससे ये सब तो मैंने बोल दिया, मगर इनकी मम्मी पापा का नाम यानी कि माँ और बाप का नाम तो मैंने बोला ही नहीं। प्रेमचंद जी के माँ का नाम आनंदी देवी और उनके बाबा का नाम था अजायब राय। और ये अजायब राय जी एक डाक मुंशी थे, वहाँ के एक डाक खाने के नौकर के तौर काम करते थे, यानी कि जहाँ इनका पैदा हुआ था वाराणसी जिले में ही लम्ही गाँव में। तो और उसके बाद क्या हुआ कि इनके पिता
15 वर्ष में इनकी विवाह हो गए। उसके बाद एक वर्ष के बाद ही इनकी पिता की मौत हो गई, देहांत हो गए। 16 साल हुए थे उनके पिता को। उसके बाद इनके परिवार का पूरा बोझ इनके सिर के ऊपर हो गया। इनके परिवार में एक तो इनकी विमाता है और इनकी पत्नी है, इनके 2 बच्चे हैं। उसके बाद इनका स्वयं भोज तक इनके सिर के ऊपर हो गया। तो उस समय उनको पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि इनको अपना कोट वगैरह पुस्तक सब कुछ बेचना पड़ा। तभी अचानक उनको एक काम भी मिल गया, एक अध्यापक के रूप में काम भी मिल गया, ऐसे वो जी पड़े। फिर क्या है कि और इनके बारे में बताया जाए तो इतने सारे संघर्ष मार्ग में भी मेहनत से ही वो बड़े एक आदमी बने। वो एक संपादक हैं, उपन्यासकार है, कहानीकार है और पता नहीं क्या क्या बोले कि बहुत से उत्तम उत्तम काम करने वाले इंसान हैं। वो अपने उनकी रुचि जो है वो पढ़ाई में बचपन से ही बहुत रुचि दिखाते थे। और क्या कहते हैं कि इनकी जब मेरा मतलब है कि इनको उर्दू और हिंदी में बहुत अच्छा ज्ञान था, तो उर्दू में इन्होंने बहुत ज़्यादा विशेष ज्ञान प्राप्त किया कि उर्दू में भी वो अपना पत्रिका सब कुछ लिखते थे। फिर उसके बाद है कि क्या कहते हैं कि इनकी जो अंतिम हुआ, इनका अंत तब हुआ था कि जब वो एक रचना है मंगलसूत्र नामक एक रचना है उसमें उसको पूरा नहीं कर पाए, वो आधा ही कर पाए थे। उसी समय उनको अजीब सा महसूस होने लगा शरीर में, तभी उनकी देहांत हो गया था। वो भी 8 अक्टूबर, मेरा मतलब 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था उनका मौत, उनकी देहांत हुआ था। वैसे भी कहा जाए तो ये कितना अच्छा मनुष्य है, और ये मानव जाति, शोषण, किसान ऐसे निम्न वर्गीय लोगों के बारे में लिखते थे। वो प्रकृति से जुड़े इंसान, मेरा मतलब वो समाज से जुड़े इंसान है, वो सामाजिक चीज़ें उन सारी बातों में वो कुछ ज़्यादा ही, मेरा मतलब वो कुछ ज़्यादा ही पसंद करते थे। तो उनकी थोड़ी रचनाएं कहा जाए तो जैसे कि उनकी उपन्यास है एक रंगभूमि है, फिर रचनाएं जैसे कि कहानी और प्रतिज्ञा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रमाणिक, फिर ऐसे अनेक अनेक रचनाएं हैं। वो एक बहुत अच्छे साहित्यकार सब कुछ है। तो ठीक है, मैं अब उनकी किताब के बारे में बोलती हूँ, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा में वो हमें बताते हैं कि वो एक ऐसी किताब है यहाँ पे नारी की बारे में, हमें ना समाज में नारी की अहमियत और नारी को क्या क्या सहना पड़ता है उससे बंधन जैसे वो कुछ बना बताते हैं, उससे संबंध कुछ बताते हैं हमें। तो वो कहते हैं कि नारी को जब एक विधवा हो जाती है तब उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है। तो इस प्रतिज्ञा में एक नायक है, विदुर नायक यानी कि अमृत राय, वो एक विधवा से शादी करने की प्रतिज्ञा लेता है क्योंकि वो अपने क्या कहते हैं कि वो अपना नव यवन नष्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए विधवा से शादी करने की प्रतिज्ञा लेता है। तो आप लोग सोचते थे अरे नव यवन नष्ट नहीं करना तो वो विधवा से क्यों शादी कर रहे। पहले उनको एक प्यार हुआ था, वो प्यार नष्ट हुआ था, उसके बाद वो प्रतिज्ञा लेते हैं क्योंकि ऐसे तो सब पता नहीं, कहानी तो कहानी ही होती है, कुछ ना कुछ होगा ही। तो जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। बस उसकी समीक्षा के रूप में मैं यही कह सकती हूँ कि एक अच्छा किताब है। वो नारी के बारे में बताते हैं कि जो जो मजबूरियाँ नारी लोगों को सहना पड़ता है, और इसमें जो विधवा है उनका नाम पूर्णा है, और इस पूर्णा की संचय यानी कि इनके मान शान को तोड़ने के लिए हमारे समाज के भेड़ भेड़िया घेरे हुए हैं। तो इन सब से बचाने के लिए या इन विधवा को बचाने के लिए एक इस विधवा रूपक कहानी है यहाँ पे, तो उसको एक अच्छे रीति से ही प्रस्तुत करते हैं हमारे लेखक। तो ये हमें समाज से बता, समाज में जो हो रहा है वही हमें बता रहे हैं। हमने कितने सारे समाचार पत्र में कितने सारे हमने सुना हुआ होगा कि क्या क्या हो रहा है एक नारी के साथ, उसका अपमान, उसका देहांत, उसके साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। तो उसी से लेके ही उन्होंने ऐसी कुछ प्रस्तुत किया, ऐसी कोई साहित्य उपन्यास हमें प्रस्तुत किया। ये वैसे भी एक उपन्यास रूपक वाली है या कि कहानी संग्रह भी कहा जा सकता है। तो मैं ऐसे कहते हुए ही मैं यहाँ पे अपनी पुस्तक समीक्षा खत्म, मेरा मतलब मैं यहाँ पे ये सब कुछ रोक रही हूँ। मेरा मतलब है कि वैसे भी मैं अपने अध्यापक अध्यापिकाओं को सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हालात इस कोरोना के हालात में भी हम यहाँ पे ऐसे पुस्तक दिन की गतिविधियाँ को यहाँ पे आरंभ कर रहे, शुरू कर रहे हैं। हमने ये सब आयोजन किया, ये सब के लिए हमें अपने
गुरु को यानी कि अध्यापक अध्यापिका से धन्यवाद कहना चाहिए। और ये सब कहते हुए मैं अपना ये छोटा सा भाषण समाप्त करती हूँ, और सारे लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद। नमस्ते।